हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक फंडा। आज हम लोग यूनाइटेड नेशन की जो एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कोर्ट है जो कि जो डिस्प्यूट्स हैं यूनाइटेड नेशन की जो मेम्बर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होती है उनको सॉल्व करती है। अब इसकी कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नैदरलैंड में है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसमें यूज़ होती है वो इंग्लिश है एंड फ्रेंच है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 चैप्टर्स एंड 70 आर्टिकल्स हैं। एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं इनके वो हैं अब्दुल कवी यूसुफ जी। ये सोमाली से बिलोंग करते हैं जो कि अफ्रीका में है। इनका जो कार्यकाल है 2018 से 2021 के लिए है। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का 3 साल के लिए इलेक्शन होता है, इनका कार्यकाल होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट उनका नाम क्यू हैनकिन जी है। ये चाइना से बिलोंग करते हैं एंड इनका भी कार्यकाल 2018 से 2021 तक है। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड वो देखते हैं। ये जो है एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। ये लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स वो सॉल्व करती है। ये एडवाइजरी ओपिनियन देती है यूनाइटेड नेशन को एंड उससे रिलेटेड जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनको। अब टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो होते हैं 15। इनका जो टर्म होता है 9 ईयर्स के लिए होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी जजेस हैं 5 जजेस वो हर 3 साल में इलेक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है कि हर 3 साल में 5 जजेस रिटायर होते हैं एंड मतलब उनका टर्म खत्म हो जाता है एंड 5 जज इलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होता है कि कभी भी वहाँ पे जजों की जो संख्या है खाली नहीं होती एंड वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। जो जजेस हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं? वे इलेक्ट होते हैं बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोथ बाई जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। और कोई भी 2 जज एक ही नेशन से बिलोंग नहीं कर सकते। कंपोजिशन ऑफ जजेस देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जो 15 जजेस हैं वे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कितना कितना कोटा किस किस जगह को दिया हुआ है। 5 जो है वेस्टर्न यूरोप को दिया है एंड अदर स्टेट्स, 3 to Africa, 3 Asia, 2 to Latin America एंड द कैरिबियन एंड 2 to Eastern Europe। और कोई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो तभी कोई डिस्प्यूट की से रिलेटेड हियरिंग ले सकता है जब कोई कंट्री, कोई भी स्टेट या फिर मोर देन वन स्टेट उसको रिक्वेस्ट करे। वो खुद से कोई भी केस को नहीं ले सकता है। कोई भी अगर डिसीजन या एडवाइजरी ओपिनियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया जाता है तो मेजोरिटी में दिया जाता है। और अगर इक्वल डिविजन हो जाता है मेजोरिटी का तो उस केस में जो प्रेसिडेंट की वोट है वो डिसाइसिव होती है। अब रिलेटेड टू इंडिया कुछ जानकारी देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसे कि इसमें जो करंट जज इलेक्ट हुए हैं इंडिया से उनका नाम है दलवीर भंडारी जी। ये 2012 में इलेक्ट हुए थे और जैसा हम जानते हैं कि इसमें 9 साल का कार्यकाल होता है तो इनका जो कार्यकाल है 2021 में ख़त्म होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ओनली इंडियन टू बी जज वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नागेंद्र सिंह जी। इनका ये 1985 से 1988 के बीच में एज ए प्रेसिडेंट थे वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और एक महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो है इंडिया जो है रिसेंटली एक केस जो एक्स नोवेल ऑफिसर है, एक्स इंडियन नोवेल ऑफिसर कुलभूषण जाधव जी का, इसका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक केस चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इसमें जो है इंडिया ने जीत हासिल कर ली है एंड कुलभूषण जाधव जी का जो एग्जीक्यूशन है वो पाकिस्तान के द्वारा रोक दिया गया है। So thank you, sir.